अभी मैं हूँ एक चौल में और दोस्त के यहाँ आ रहा हूँ। और देखो भाई है, हेलो। और भाई का नाम लौकुश, और अभी हम इनके यहाँ हैं। और देखो यहाँ पर जो जिस चौल में हम लोग रुके हैं, मैं जहाँ पर आया हूँ अभी दोस्त से मिलने के लिए लव भाई से, और यहाँ पर देखो ये दरवाजा है। अब सोच रहे होगे आप कि भाई यहाँ कैसे दरवाजा है, तो यहाँ तो आज का मेरा प्लान है कि मैं मुंबई सिटी के अंदर तो आ गया हूँ, और यहाँ पर जाकर कुछ चौल वगैरह में जाया जाए और वहाँ का लाइफ थोड़ा देखा जाए कि भाई यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या इन्वायरमेंट है। क्योंकि हमने पिक्चर वगैरह में बहुत ही ज़्यादा देखा है, किसी मूवीज में या फिर मतलब सीरियल में, वेब सीरीज में ऐसा देखा कि भाई चौल ऐसी होती है मुंबई की। तो पर्सनल लेवल पर एक्सपीरियंस किया जाए। और एक लड़का है जो मेरी पहचान का है, दोस्त बोल सकते हो आप, जिनका नाम है लवकुश, और वो भाई के घर हम जाएंगे, देखते हैं वो भाई चौल में रहता है कैसे रहता है। सारी चीज़ दिखाता हूँ आपको, फुल प्रैक्टिकल होगा भाई। और वो वहाँ पर कैसे रहता है, और वो जैसे कि मैं अंधेरी में आया हूँ, आपको पता है वो भी अंधेरी में ही रहता है, और वो एक चौल में रहता है। तो अभी हम चौल में जाएंगे और वहाँ का पूरा व्यू आपको दिखाता हूँ, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं और चौल का सारा सीन क्या है। क्योंकि वहाँ पर भाई भाड़ा जो स्टार्ट होता है 6,000 से होता है, और डिपॉजिट आपको 10,000 15,000 तक देना पड़ता है, ये सारा सीन है। तो मैं वहाँ का भी व्यू आपको दिखाऊंगा, ताकि आप भी देखो कि भाई चौल में रहने का भी मुंबई में बहुत ही ज़्यादा पे करना पड़ता है, बहुत ही कम पैसे नहीं लगते हैं। मुंबई बहुत ही महंगी सिटी है, तो अगर यहाँ पर रहना है तो आपके पास काफ़ी पैसे होने चाहिए। यहाँ पर लोग शेयर करके रहते हैं, मतलब 4 लोग 5 लोग मिलकर एक जगह लेते हैं, उसके बाद रहते हैं लोग। क्योंकि अगर समझ लो 20,000 30,000 भी कोई कमा रहा है, तो अकेले 6,000 7,000 भाड़ा भरना, ऊपर से खाने का, तो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पड़ जाती है। तो चलते हैं और मैं अपना ब्लॉग जो है डायरेक्ट वो भाई के घर से कंटिन्यू करता हूँ, देखते हैं कि भाई कैसे रहते हैं और क्या सीन है वहाँ की। अभी मैं हूँ एक चौल में और दोस्त के आ रहा हूँ। और देखो भाई है, हेलो। और भाई का नाम लौकुश, और अभी हम इनके यहाँ हैं, और यहाँ का एड्रेस मुझे प्रॉपर नहीं पता है। तो ये भाई हैं आर्यन भाई, और हम लोग साथ में आए। भाई यहाँ का एड्रेस बताओगे आप? यहाँ हम लोग कौन से जगह पे हैं? आजाद नगर। आजाद नगर, हम लोग आजाद नगर है अंधेरी वेस्ट में, और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं। तो मैं आपको चौल भी दिखा दूंगा जाने के टाइम पे। और अभी मैं शायद वर्सोवा बीच जाऊँ या फिर इधर आसपास में कोई पार्क है वहाँ भी जाऊँ, तो जो भी होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ से नीचे जाऊँगा, और यहाँ मतलब चौल का क्या सिस्टम है, लोग कैसे रहते हैं, और यहाँ पर बहुत ही सारे स्ट्रगलिंग एक्टर भी हैं, वो लोग कैसे रहते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। और भाई अपना तो बस बैग लेके निकल लेते हैं, बाकी बड़ा बैग जहाँ पर हम रुकते हैं रात को वहीं पर रख देते हैं, और यहाँ से निकलेंगे और आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, चौल में कैसे रहते हैं, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। तो पहले ही बताया मैं अभी चौल में हूँ, और ये भाई देखो सो रहे हैं आराम से मस्त। और देखो यहाँ पर जो जिस चौल में हम लोग रुके हैं, मैं जहाँ पर आया हूँ अभी दोस्त से मिलने के लिए लव भाई से, और यहाँ पर देखो ये दरवाजा है। अब सोच रहे होगे आप कि भाई यहाँ कैसे दरवाजा है, तो यहाँ से ही नीचे सीढ़ी से हमें होके जाना है। तो अभी हम नीचे जाएंगे, और जैसे भी है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई ये सीढ़ी है, और यहाँ से नीचे जाना है। ये भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रूट है, एक तरीके से आप मान सकते हो। ये इधर से हम एंट्री करेंगे, नीचे जाएंगे, और यहाँ का मैं आपको दिखाता हूँ। और इमेजिन आप नहीं कर सकते कि आप शायद ऐसी जगह पे रह पाओ। और आगे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ चौल कैसी है। तो भाई ये देखो यहाँ उतरने का पूरा सीन है भाई, यहाँ से तो ये सारी चीजें। अरे हाँ भाई आराम से। ये देखो भाई अब हम चाल में से निकल रहे हैं, और ये चौल है जहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं, और ये बहुत ही पतली गली, और इसके अंदर लोग कैसे रहते हैं भाई। क्योंकि जहाँ पर मैं अभी रुका था उसके अंदर तो दरवाज़ा भी नहीं था, बस ऐसे ही सीढ़ी ऊपर जाने के लिए और उसको कवर करने के लिए, आपने देखा कि लोहे का बना था, बस वही था दरवाजे के तौर पर, वही है, दरवाज़ा भी नहीं था। तो कहीं कहीं चौल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, और यहाँ पर देखो यहाँ के सारे लोग इतनी पतली गली, मतलब गली तो ये ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो जहाँ से मैं एंटर करके अंदर गया था वो गली काफ़ी पतली थी, वहाँ से तो बैग भी निकालना मुश्किल हो जा रहा था। मैं जो अपना बैग लिया था, और मतलब छोटा वाला ही बैग, और उसको लेके और अपने से आराम से जाने में भी दिक्कत हो रही थी, इतनी पतली गली थी। तो भाई अब हम बाहर निकल रहे हैं, और ये पूरी चौल है। चौल तो वैसे बोल सकते हैं भाई, मतलब कि जो लोग अच्छे से रहें वो लोग नहीं रह सकते चौल में, लेकिन अगर आप आते हो मुंबई में और अगर आप एडजस्ट करते हो तो फिर आप चौल में रह सकते हो। मैं फ्रंट का भी व्यू आपको दिखाता हूँ चौल का थोड़ा सा। ये देखो भाई ये इस एरिया में मैं आया था मिलने के लिए दोस्त से, ये चौल का पूरा व्यू है। तो अभी मैं जहाँ पर आया था, ये पीछे की चौल जहाँ पर मैं रुका था, अभी आया था दोस्त के यहाँ से जिससे मिलने के लिए, और अभी हम पार्क में जा रहे हैं।